अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाए और अगर आपको बहुत ज़्यादा सन टैन है या किसी भी वजह से आपकी स्किन डार्क है तो आपकी स्किन आज हो जाएगी ग्लोइंग और फेयर और आपको ख़ुद फ़र्क पता चलेगा। और इसके लिए आपको चाहिए होगी सिर्फ राइस, यानी कि राइस के साथ मैं आपको बताऊँगी ऐसे टिप जिससे आप आराम से अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हो, फेयर बना सकते हो। जैपनीज़ की स्किन तो आपने देखी ही होगी, वो के ख़ास करके मशहूर है कि वो राइस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्किन पे भी। और आज आपको लेने हैं सादे सिंपल सफ़ेद राइस। छोटे राइस ले लें, एक पैन ले लें, उसमें आपने क्या करना है, तकरीबन 2 चम्मच राइस मैं ले लूँगी। और 2 बड़े चम्मच राइस देने के बाद इसमें जो है आपने ऐड कर देना है। और इसको जो है आपने क्या करना है, पैन को साफ़ रखना है, खुश्क रखना है। और इसके बाद इसमें आपने डाल देना है पानी, 1 से 2 कप आप पानी डाल सकते हो। और उसके बाद आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। इसको याद रखिए, आपने लो से मीडियम फ्लेम पर पकाना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। और ये जब नरम हो जाएगी तो आपने एक बाउल लेके उसमें ये जो है शामिल कर देनी है। उसके बाद इसमें दानादार होगी तो आपने इसको ग्राइंड कर लेनी है, आप मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हो। दूध आपने ले लेना है, दूध यहाँ पे हम डालेंगे तकरीबन जो है 2 चम्मच। दूध के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं स्किन के लिए, ये आपको जैपनीज स्किन देगी 100%। और ये इतनी मज़ेदार क्रीम बनेगी कि आप इसे रोज़ अप्लाई करेंगे और रोज़ आपको फ़र्क मालूम होगा। अच्छा जी, तो अब आपने क्या करना है कि इसमें देना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है स्किन के लिए, बालों के लिए भी। आपने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल 1 से 2 चम्मच जो है वो डाल देना है, प्योर होना चाहिए। इसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर लेना है, कॉर्न स्टार्च जो भी मिल जाए आपको वो ले लें। और यहाँ पे आपने इसको तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल देना है। अगर आपकी क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपने 2 टेबल स्पून डालना है, वरना 1 टेबल स्पून काफ़ी है, ये आपकी स्किन के इम्प्योरिटीज़ ख़त्म करेगा। इसके बाद आपने लेमन ले लेना है। लेमन आप ले लेंगे हाफ जो है लेमन आप ले लें, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है लेमन स्क्वीज करके आपने इसमें ऐड कर देना है। लेमन से आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज होगी, आपकी स्किन में ग्लो अंदर तक आएगा और आपकी स्किन जो है वो ब्राइट नज़र आएगी और आपको कोई सन टैन वगैरह भी नहीं होगा। इसको आप जार में सेव कर लें। और इसको अप्लाई करने का तरीका ये, ब्रश अप्लाई कर लें, आप हाथ से अप्लाई कर लें, पूरे फेस पे इसका एक मास्क बना लें। याद रहे कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और आप इसके बाद जो है इसको 10 से 15 मिनट रखेंगे और उसके बाद आप इसके रिज़ल्ट देखें। आपने क्या करना है, इसको स्क्रब नहीं करना है, आपने इसको थोड़ा सा जब ड्राई होने लगे तो आपने किसी जो है चीज़ या मलमल के कपड़े के साथ इसको पहले हल्के हल्के हाथ से साफ़ कर लेना है और उसके बाद जो है आपने इसको सादे पानी से धो लेना है। ये ऐसी क्रीम है जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगी बल्कि आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी भी बनाएगी। आपकी स्किन जो है वो हेल्दी होगी, ग्लोइंग होगी और ब्राइट तो बहुत ज़्यादा होगी, बिल्कुल जैपनीज स्किन की तरह। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अप्रिशिएट ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई अच्छी रेमेडी के साथ। बहुत ज़्यादा अपना बहुत ख्याल रखिएगा।